काफी दिनों से आप बिजनेस कर रहे होंगे लेकिन बचत दिखाई नहीं दे रही है, कारण क्या है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमने बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, काफी दिक्कतें आती है। कौन कौन से फायदे हैं जिनसे आप अपने बिजनेस में बचत कर सकते हैं, तो आज सारी बातें इसी बारे में करूंगा दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता हूं मैं सुनील राठौर सुंदर स्वीट से। दोस्तों बिजनेस में सबसे पहले अपने खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे। जिस भाइयों ने पहले से शुरू से चलते आ रहे हैं, आप सेल करते हैं, मान लो कितने की भी आपकी दुकान पे सेल होती है, बिजनेस में सेल होती है, लेकिन खर्चे भी उसमें, आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के खर्चे, घर के खर्चे या कोई सामान मंगा रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे जो भी होते हैं, आपको सबसे पहले वो लिखने होंगे कि कौन कौन से हम खर्चे कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स आया था कि मुझे घर पे ही बिस्कुट तैयार करने हैं, क्या घर पर बिस्कुट बन सकते हैं? तो भाई जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। आप अपने घर पे एक ड्रॉपिंग मशीन आती है फ्लिपकार्ट पे, इस टाइम बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, 42% ऑफ है। जो भाई लेना चाहते हैं वो घर पे किचन में मंगा सकते हैं। ड्रॉपिंग मशीन 6 का सेट होता है, उसमें सेट मतलब डिजाइने अलग अलग आएंगी 6 प्रकार की, आप अपने घर पे ही मंगा लें, 42% ऑफ है। 1000 की मशीन आप 550 रुपए में आप अपने घर पे ही मंगा सकते हैं और शिपिंग बिल्कुल फ्री है, जो डिलीवरी चार्ज होता है वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। आप घर पे भी बिस्कुट तैयार करा सकते हैं या और भी डिजाइन के कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आलू के चिप्स वगैरह, उससे वो तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात करूंगा कि आपने जो खर्चे लिखे हुए हैं, अब उसके बाद उनको मैनेज करेंगे कि भाई वो खर्चे हमने जो लिखे थे वो क्या हमारे बिजनेस में ही खर्च हो रहे हैं? बिजनेस के अंदर आप बिजनेस करते हैं, इनकम हो रही है, लेकिन खर्चे कहीं और हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर खर्चे नहीं आते, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं आप या कोई और एक्स्ट्रा खर्चे, जैसे स्कूल की फीस हो गई, बच्चों की पढ़ाइयां हो गई या कपड़े वगैरह आप ले रहे हैं, भाई बिजनेस की सेल में से ही खर्चा हो रहा है। वो आपको पता चलना चाहिए, आपने फिल्टर कर लिया कि हमारे खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर हो रहे हैं या एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं। तीसरा, आप परचेज करते हैं बिजनेस के अंदर, भाई कोई भी सामान लेते हैं आप तो बल्क में ज्यादा लेना पसंद करें, क्योंकि रिटेल में मान लो थोड़ा सा सामान कहीं से भी रिटेल में मंगाएंगे तो वो भी अपना प्रॉफिट रख के ही देगा। तो आप कम से कम ज्यादा माल सामान बल्क में मंगाने की कोशिश करें, जिससे आपको मतलब नुकसान ना हो और सही रेट पे मिल जाए। सामान कभी भी खरीदते समय जरूरी नहीं है कि एक ही दुकान से आपने कोटेशन मंगा ली कि भाई मुझे ये सामान लेना है, एक महीने का राशन है या कोई भी सामान है आप इकट्ठा लेना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी बल्क में चीनी की अगर एक गाड़ी मंगाते हैं तो बहुत सस्ती पड़ती है, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो काफी महंगा पड़ेगा। मान लो कोटेशन मंगानी है आपको, किसी से सामान लेना है, आपकी किचन में राशन खत्म हो रहा है, तो आप एक जगह से नहीं 3 जगह से कोटेशन मंगाएं कि भाई क्या रेट है, क्या रेट है, क्या रेट है। 3 जगह से कोटेशन आ गई, रेट अपने आप फर्क मालूम पड़ जाएगा कि कहां पर दिक्कत आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि काफी महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने स्टॉक में काफी रोक के रखे हुए हैं, बेच नहीं रहे हैं, भाई सेल ज्यादा करो। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि सेल जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही प्रॉफिट आएगा, सामान को रख के मत बचताओ भाई, बेच के बचताओ कि भाई पता तो चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सामान रखा रहेगा एक्सपायर हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा और आपका भी पैसा ब्लॉक रहेगा। ज्यादा ज्यादा सामान सेल अपनी दुकान पर लेकर आए ताकि आपको भी प्रॉफिट हैंड टू हैंड पता चल जाए, स्टॉक ज्यादा ना करें, आपकी सेल भी अच्छी होने लगी। उसके बाद क्या करें, जो स्टाफ आपने रखा हुआ है स्टाफ बढ़िया रखें अपना, भाई जो स्टाफ कमाने वाला है, जो मतलब प्रॉफिट ला के देता है, जो सेल ला कर दे रहा है उसकी तारीफ करें, जो गलत है भाई उनको भी बताएं कि भाई तारीफ उसको गलत ना करें, जो अच्छा है उसकी तारीफ करें, जो गलत है वो अपने आप उसको देख के समझ जाएगा और सुधर जाएगा। तो जहां जहां दिक्कतें आ रही है, आपको अपने बिजनेस में क्या दिक्कतें आ रही है, मुझे कमेंट्स करें, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जो भाई चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।